और आइए अब शुरू करते हैं सत्य वचन। वो सत्य वचन जो कई बार सामने दिख रही तस्वीरों में नहीं होता है, वो सत्य वचन जो कई बार सामने से सुनाई दे रहे शब्दों में भी सुनाई नहीं पड़ता है। कई बार दिखता कुछ और है, समझ में कुछ और आता है, और सत्य वचन दरअसल कुछ और ही होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है गाजियाबाद के एक वीडियो में। वीडियो में बुजुर्ग को कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वीडियो में कोई आवाज नहीं है, यानी ऑडियो गायब है। और फिर उस बुजुर्ग का समाजवादी पार्टी के एक नेता की मौजूदगी में बयान आता है कि जय श्री राम का नारा ना लगाने की वजह से उसे पीटा गया। लेकिन आरोपी सामने आया, आरोपी का नाम सद्दाम है, और सद्दाम ने खुद बताया कि यह विवाद धार्मिक विवाद नहीं था, तंत्र मंत्र से जुड़ा यह पूरा मामला व्यक्तिगत विवाद का था। मामले को जबरन धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। ऐसे में सत्य वचन कहीं ये तो नहीं कि सिर पर यूपी चुनाव है इसीलिए फिजाओं में धार्मिक तनाव है? कहीं गुस्सा है, कहीं गुबार है, कोई सच कहता है, कोई कहता है झूठ का संसार है, और इन सब के पीछे है एक वीडियो, एक चेहरा, एक आवाज। अंटरों से मार लगाई और मगर लठ लठ था, लठ मारे रो गया, थी गया। उस आवाज में दर्द। जिसने भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग की पिटाई का वो वीडियो देखा, वो एक बार को ठिठक गया, क्योंकि कोई भी सामान्य चेतना का व्यक्ति 72 साल के बुजुर्ग को यूं फफक फफक कर रोता देख किसी का भी कलेजा पसीज जाए। घबराइए मत, घबराइए मत। शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए जब एक बुजुर्ग रोता है, बिलखता है और ये कहता है कि राम के नाम पर पीटा गया, तो एक बार को लगता है कि ये समाज कहाँ आ गया। उन्होंने वीडियो दिखा रहे हैं कि हमने दसियों मुसलमानों को मार दिए, मुसलमानों को। आप बता रहे थे जब आप पानी मांग रहे थे तो क्या कह रहे थे वो? लेकिन हमने शुरू में ही कहा था कि कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता है, जो सच होता है वो कई बार नहीं दिखता है। तो यहाँ भी उन आंसुओं का सत्य वचन वो नहीं जो दिखा, इन आंसुओं का सत्य वचन वो नहीं जो सुनाई दिया, बल्कि इसके पीछे की कहानी और किरदार कुछ और अलग नहीं। और उनमें से सबसे अहम किरदार है समाजवादी पार्टी का नेता उमेद पहलवान इरदीसी। अरे चाडियों, भेड़ियों, तुम में हिम्मत है, तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें दूध पिलाया है तो किसी जवान से लड़कर देखो। शर्म नहीं आई तुम्हें एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ ये काम करते हुए? मुझे कमरे में बंद कर दिया तो दिखाओ जरा, और मुझे इतना मारा कि मैं कहा। अबे लुटेरा, अबे चोरो, अबे नालायको, अबे खबीशो, अबे किसी मर्द से लड़ो, अबे मर्द से लड़ो, बुजुर्ग से लड़ रहे हो? ज्यादा से ज्यादा शेयर करे भी 100 नहीं हो पाए हैं, जब 100 लोग हो जाएंगे कम से कम तो मैं अपनी बात रखूंगा। उमेद पहलवान निर्देशी फेसबुक पर अचानक से 7 जून को लाइव आते हैं। बार बार वो ज्यादा लोगों को जुड़ने की बात कहते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, मैं जल्दी फिर मैं 1 मिनट में जितने और लोग जुड़ जाएं तो जुड़ जाएं, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा संगीन है। उनके पीछे बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें लगी हैं और तस्वीरों से साफ पता चलता है कि उमेद पहलवान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पीछे की दीवार पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ कई तस्वीरें लगी हैं। दीवार पर छोटी सी साइकिल टंगी है और यहीं से उमेद पहलवान 72 साल के अब्दुल समद के साथ फेसबुक पर लाइव आते हैं। एक 72 साल के बुजुर्ग को झूठ बोलकर अपने ऑटो में बैठाना, फिर उनको बेरहमी से मारना, तार से मारना, बैंड से मारना, डंडों से मारना, यदि पानी मांगते तो पेशाब पिलाने की बात करना। और यहाँ से आगे अब्दुल समद अपना दुखड़ा बताना शुरू करते हैं। यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया बैठे पे, मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठा के 2 आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए, बैठे जाना था मुझको, वो आगे आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूँ ढक दिया मेरे यूँ, और एक इधर से पढ़ लिया, एक इधर से पढ़ लिया और मुझे मारने लगे।
और बहुत दूर जंगल में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया मुझे, और कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए, और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, सिया जय सिया राम जय सिया राम। बुजुर्ग ने रोते हुए जो कहा वो हर किसी को एक दफे सच लगा, लेकिन बात वहाँ खटक गई कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेता के साथ आकर ये सब कुछ क्यों कहा गया। और मुझे मतलब 3 बजे से मारते मारते 7 बजा लिए, और 7 बजाने के बाद में जब भी मारते रहे और मैं भतेरा चिल्लाता रहा, चिल्ला गया तो जब भी मार लगा रहे चुप हो, और मैं अल्लाह कह गया तो कह गए कि तू मंत्र पढ़ रहा है हमारे पर, मंत्र पढ़ रहा है, मैं मंत्र ना पढ़ रहा, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। बोले अल्लाह को याद ना कर, जय सिया राम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते रहे वो मेरे सामने, और अपने वो दिखाते रहे मुझे कि ऐसा करेंगे हम तो मुसलमानों के साथ में मारेंगे पीटेंगे, और मेरी इतनी लंबी ढाई सी सारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने बदमाशों ने। इस वीडियो में दावा किया गया कि उन्हें पीटा गया और धार्मिक वजहों से पीटा गया, लेकिन 72 बरस के अब्दुल समद के दावे पर सवाल तब उठा जब सबसे पहले उस पिटाई वाले वीडियो में कोई ऑडियो नहीं सुनाई दिया, उसमें कोई आवाज नहीं आती कि किस वजह से पीटा गया। इसमें कोई तो राय नहीं कि बुजुर्ग समद की पिटाई हुई है, लेकिन इस पर पूरा संदेह है कि किसी धार्मिक वजह से पिटाई हुई या नहीं। और इतने में मामले की तहकीकात करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि 72 साल के अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करते हैं। ताबीज का उल्टा असर होने पर अब्दुल समद की पिटाई की गई, और पिटाई करने वाले परवेश गुजर, कल्लू, आरिफ, आदिल और मुशाहिद नाम के लड़कों की पहचान कर ली गई, जिसमें से 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया, और ये भी बताया गया कि इसमें कहीं से कोई धार्मिक एंगल नहीं था। सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रयास किया कि इस वीडियो की पुष्टि की जाए, तो ये पता चला कि ये वीडियो बेहटा हाजीपुर का है और इसमें कुछ लड़के पहचान में आए, तो उसके आधार पर हमने कार्रवाई करते हुए और अन्य चीज़ें इसमें पता की, तो ये पता चला कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये इनका नाम अब्दुल समद है, ये अनूप शहर बुलंदशहर के रहने वाले हैं, और ये ताबीज़ बनाने का काम करते हैं, और ये जो इस भेटा हाजीपुर में कई लोगों के इन्होंने ताबीज़ बनाए थे, तो उन्हीं में किसी बात को लेकर उन लड़कों में कुछ इनसे नाराज़गी थी, तो उसी कारण से उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया था। इन लोगों के कई बार कम्युनिकेशंस भी हुए हैं फ़ोन पर, जो भी आरोपी हैं उनके और अब्दुल समद के, तो इन्होंने बुलाया था। ये उनके घर पर पहुंचे प्रवेश के, लेकिन वहां पर ये प्रवेश वगैरह एवं अन्य लड़के जो थे उनका उद्देश्य ये था कि इनके साथ मारपीट की जाए, और इन्होंने प्लानिंग के तहत इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अभद्रता की और मारपीट की, जो कि बहुत पूर्ण रूप से गलत था। तो फिर सवाल यहाँ से उठता है कि आखिर बुजुर्ग ने पिटाई को राम के नाम से क्यों जोड़ा? कहीं इसके पीछे कोई सियासी वजह तो नहीं? कहीं इसके पीछे वो सियासत तो नहीं जो चुनाव से पहले पनप रही? जो मेरी बाप की उम्र से भी ज्यादा बड़े हैं, जिनकी 72 साल उम्र है, मैं इनके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं, और अगर ये नौबत आई तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, मगर इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। और मैं सैफी साहब आपसे वादा करता हूं, सूफी साहब, कि मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा, चाहे किसी भी हद तक आपके मुकदमे के लिए लड़ना पड़े, मैं आपके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। अगर मैं आपके साथ इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सका तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आज कोई पार्टी की बात नहीं की है। मैं राजनीति जरूर करता हूं, मगर मैंने एक बार भी पार्टी का नाम नहीं लिया होगा कि मैं किस पार्टी से हूं। यूं तो उमेद ने कहा कि वो कोई राजनीति करने नहीं आए, वो ये भी नहीं बताते कि वो किस पार्टी से हैं, लेकिन जब 7 जून को बुजुर्ग के साथ उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया तो पहले ही फ्रेम में सबको पता लग गया कि वो किस पार्टी से हैं। जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के हैं और आप ही इस पूरे मामले को तूल दिलवा रहे हैं, उसके पीछे क्या? देखिए, जब मैं फेसबुक लाइव आया तो मैंने समाजवादी का नाम लिया नहीं लिया, बीजेपी की बुराई की नहीं की। अब आपने जब मेरे फोटो वायरल कर ही दिए हैं, मुझे समाजवादी का नेता कह कहकर पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसमें पार्टी कहां से आती है और किसकी सियासत करते हैं? और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान उत्तेजित होने लगते हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ ये काम करते हुए, ऐसे बुजुर्ग को मारते हुए? बिल्कुल भी तुम्हारा दिल नहीं दहला? अबे लुटेरो, अबे चोरो, अबे नालायको, अबे खबीशो, अबे किसी मर्द से लड़ो, अबे मर्द से लड़ो, बुजुर्ग से लड़ रहे हो। मैं जब फेसबुक लाइव आया कि मैंने समाजवादी का नाम लिया, क्या मैंने लिया?
सबने मेरी फेसबुक देखी, मैंने नाम लिया, किसी सरकार की बुराई की, किसी को गलत बोला। अब इसमें समाजवादी कहां से आती है? यह बीजेपी का स्टैंड है। आज बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में है। मैं कह देना चाहता हूं कि बेशक हमारी दाढ़ी आप काट देना, अगर हमने मुसलमान के घर में जन्म लिया है तो मुसलमान होकर ही मरेंगे, दाढ़ी काटने से हम कोई और जबर में नहीं चलेंगे। लेकिन उम्मीद की तरफ से जो दावा वीडियो में किया गया, पुलिस ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं होना और उन घटनाओं का धार्मिक रंग लेना कहीं ना कहीं इसे सियासत के चोले से ढकता तो है, और सियासत उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली से होते हुए हैदराबाद तक इसी मुद्दे पर हो रही है। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी अखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकयात चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये जो करने वाले हैं पूरे शैतान हैं। साजिशी सुपारी सिंडिकेट को एक बात समझ लेना चाहिए कि देश के सद्भाव के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र साजिश, भारत में दुनिया को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश कभी भी उनकी सफल नहीं होगी। सियासत ने इस मामले को धार्मिक रंग देने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो तस्वीरें भी आ गई जिसमें पिटाई से पहले तंत्र विद्या के सामान भी दिखाई दिए। और फिर आरोपी सद्दाम ने भी साफ कर दिया कि पूरा मामला ताबीज से जुड़ा हुआ था, ना कि धर्म से। परवेश जो है ये तांत्रिक को कैसे जानते थे, जो अब्दुल सनद है उनको कैसे जानते थे परवेश? ये हमारे घर पर आते थे सूफी जी, ये बोले परवेश बोला मेरे घर पे ऐसे से परेशानी इंतजार, मेरा ऐसे से कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा करवा दे किसी से। वो बोले हमारे घर पे सूफी जी आते हैं, हमारे अच्छे सूफी जी हैं, वो कर देंगे। इनका पहले काम करवाया था तो इनका बहुत बढ़िया काम करवाया, बहुत अच्छा काम होगा, इंतजार मेरा हमारे घर पर सब कुछ बढ़िया है, हमारी घरवाली बच्चे सब ठीक ठाक हैं। फिर दुआ लेकर उनका मेरे तो ये बच्चा मर गया 4 महीने का, मेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ, मैंने जहर खा लिया, ऐसे बस ये बात सर। उनको ये लगा कि जो तांत्रिक इन्होंने बाबा ने दिया था वो उसमें कुछ गड़बड़ थी? जी हाँ सर। पूरी कहानी बताओ ना, हुआ क्या फिर एकदम? सर इनको फिर ले गए, इनको गोदाम में ले गए थे, गोदाम में इनके साथ मार पिटाई करी, मार पिटाई करने के बाद सर मैं ये ऑफिस में आगे ले आए, जब आदिल हरिया ऑफिस में आ गए थे सर, ये इनको गोदाम में से ऑफिस में ले आए थे, ये ऑफिस में लाने के बाद परवेश ने रैंपटे वैंपटे मारे थे। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ बचा हुआ था कि आखिर पिटाई के वक्त राम के नाम के नारे लगे थे या नहीं, उसका भी जवाब हमने आरोपी सद्दाम से लिया। जो बात सामने आ रही है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, क्या ये बात भी हुई थी वहां पर जब आप थे वहां? नहीं सर, हमारे सामने नहीं हुई थी, हमारे सामने नहीं होते सर ये। सद्दाम ने साफ कहा कि उसके सामने कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगे थे, यानी एक बात तो साफ लगती है कि ये मामला अपराध से जरूर जुड़ा है, लेकिन मामला व्यक्तिगत है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म से यहां जोड़कर सिर्फ और सिर्फ सियासत की गई है। तो देखिए, जिस बुजुर्ग की पिटाई को लेकर देश में ये बवाल मचा हुआ है, वो बुजुर्ग अब्दुल समद ने पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपनी आपबीती सुनाई है। बुलंदशहर में अब्दुल समद से उनके घर पर जाकर बातचीत की हमारे रिपोर्टर अभिषेक रावत ने। आपके साथ कमरे में क्या हुआ? मुझे बंद कर दिया, और बंद करके दो जनों ने हाथ पकड़ लिए और कमर पे डंडे और वो बेल्ट बजाई और तमंचा मेरे सिर पर फेर दिया और मेरी दाढ़ी काट दी। आपसे जय श्री राम के नारे बुलवाए? हाँ। वंदे मातरम बुलवाया? हाँ। और तमंचा चला? तमंचा 2 दफ़ा चलाया, मिस हो गया, तीसरा के नहीं चला। तो ये पीड़ित का बयान आपने सुना, तस्वीरें आपने देखी, लेकिन कुल मिलाकर बात तो वही है कि सत्य वचन सिर्फ ना उन तस्वीरों में होता है जो दिखाई देती हैं और ना उन बयानों में होता है जो सुनाई देते हैं, बल्कि उससे कहीं और अलग गहराई में जाकर उसे तलाशना पड़ता है, और यही कोशिश हम करते हैं। ABP News आपको रखे आगे।